अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी हिना साकत और आप देख रहे हैं कुकिंग विद हिना। आज हम बिस्मिल्लाह करते हैं। आज हम जो चीज बनाए जाने वो है चिकन शामी कबाब। आज हम बहुत जबरदस्त से चिकन शामी कबाब बनाएंगे, बिल्कुल बाहर जैसे, जिससे आप बाहर हम खाते हैं जो बर्गर में भी लगाए जाते हैं, वैसे भी नाटकी बनाई जाती है, सब सेम हम वैसे शामी कबाब बनाएंगे इनशाला। मैंने शामी कबाब बनाने के लिए आधा किलो चने की दाल ले ली है। इसको मैंने 2 घंटे पहले ही भिगो के रख दिया था। और आप देख सकते हैं एक मीडियम साइज का मैंने प्याज ली है, 5 मैंने साबुत लाल मिर्चें ली हैं, साबुत सब्ज मिर्चें ली हैं 5 अदद ही। ये थोड़ा सा साबुत गर्म मसाला है, इसमें एक बादियाना फूल, दालचीनी, थोड़ी सी काली मिर्चें, जीरा और ये देखिए बड़ी वाली इलायची, ये भी 1 अदद ही है। ये देखिए सिर्फ इतने से मसाले हैं। और थोड़ा सा ही हमने बोनलेस चिकन लिया, आप चाहे तो हड्डी वाला भी ले सकते हैं, ये तो बोनलेस ही बेहतर रहेगा। चलो अब हम बिस्मिल्लाह करते हैं। हम एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें उसमें हम अपनी दाल डाल देंगे, सारी दाल हम साफ कर लेते हैं। जी ये जो हमने साबुत मसाले बना लिए थे ये भी हम बीच में साथ ही ऐड कर देंगे। ये बोनलेस चिकन ये भी साथ ही हम बीच में ऐड कर देंगे। तकरीबन 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट हो तो वो आप 2 टेबलस्पून ले सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास साबुत हो तो आप साबुत भी डाल सकते हैं। जी साथ ही साथ हम इसके अंदर अब अपने मसाले ऐड करते हैं। सबसे पहले हम 1 टेबलस्पून नमक का डालेंगे। जी देखिए ये 1 टेबलस्पून नमक, वन टीस्पून दादरी मिर्च, क्योंकि ऑलरेडी पहले भी हमने इसमें साबुत वाली दादरी मिर्च होती है वो भी ऐड की हुई है, सो हम सिर्फ इतनी सी डालेंगे। साथ साथ हम इसमें डाल देंगे अपने धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, आप चाहें तो साबुत धनिया भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हम अपनी हल्दी का ऐड करेंगे। और हाफ टी स्पून हम अपने जीरे का ऐड करेंगे। चलिए इसमें अब हम 1 कप पानी का ऐड कर लेते हैं। जी ये देखिए मेरे पास मग है, अगर आपके पास छोटा कप नहीं, अगर आप ग्लास मग ना हो तो आप 1 ग्लास भी डाल सकते हैं। ये देखिए देख सकते हैं आप। चलिए अब हम इसको अपने चूल्हे पे रख देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए पकने के लिए। जी फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं, इसको एक दफा मिक्स कर लेंगे अपने सारी दाल को, मसालों को, चिकन को। अब हम इसे 20 मिनट के लिए रख देंगे ताकि हमारी दाल गल जाए, सिर्फ 1 कने कच्ची रह जाएगी, तो फिर हम इसको उतार लेंगे। 20 मिनट बाद देखते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं, 20 मिनट इसको हो चुकी है। जी आप देख सकते हैं पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हम अपनी दाल को देखेंगे। जी ये देखिए सिर्फ 1 ही कने कच्ची है। अब हम अपनी आग को बंद करेंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। जैसे हल्का से ठंडा हो जाएगी फिर हम इसको पीस लेंगे। जी आप ये देख सकते हैं ये हमारे पहले से ठंडा हो चुका है। चलाइए अब हम इसको पीस लेते हैं। या तो आप इसको अपने, अगर चॉपर है तो उसमें भी पीस सकते हैं, अगर आपके पास
दाल मैश करने वाला डंडा है तो आप उससे भी पीस सकते हैं, या फिर आप चटू वटे में भी डाल के पीस सकते हैं। तो मैं तो ये अपने चौपड़ में पीसूंगी, देख सकते हैं हम जल्दी से इसको पीस लेते हैं। जी आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दाल हो चुकी है। चलिए अब हम इसकी जल्दी से शामिया बना लेते हैं। सबसे पहले हम एक कौली में पानी ले लेंगे। जी हमने अपने हाथ पे पानी लगा लिया। चलिए देखिए हमने थोड़ा सा लिया। चलिए जल्दी से हम अपनी शामिया तैयार कर लेते हैं। माशाल्लाह देख सकते हैं आप, हम जल्दी से अभी शामियां बना के रख लेते हैं। जी आप देख सकते हैं मैंने इतनी सी शामी टिकिया बना ली है। चलिए हम जल्दी से इसको फ्राई करते हैं। जी फ्रेंड्स ये हमने एक अंडा ले लिया, अब इसमें एक जी आप देख सकते हैं बिल्कुल इतना एक चुटकी हम नमक डाल देंगे, एक पिंच हम काली मिर्च का ऐड कर देंगे। चलिए जल्दी से इसको फ्राई कर फेंट लिया। हम अपनी शामी ले लेंगे इसमें डिप करके। चले आइए अब हम इसको फ्राई करते हैं। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। जी आप देख सकते हैं हमने अपनी शामियां फ्राई होने के लिए रख दी हैं। चले आइए अब हम देखते हैं बिस्मिल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कलर देख सकते हैं। जी ये आप देख सकते हैं जल्दी से हम अपनी सारी शामियों को पलट लेते हैं। बिस्मिल्लाह चलिए अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। अपनी शामियों को प्लेट पे निकालते हैं। जी फ्रेंड्स जैसे ये देख सकते हैं आप हमारी शामियां अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं। इसे मेरे चैनल को आप ज़रूर सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही न्यू न्यू रेसिपीज लाती रहूं। ओके अल्लाह हाफिज़। अपना ज़रूर ध्यान रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा।